इस वीडियो में हम ब्रेकअप ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसका जो ब्रेकअप हुआ, मतलब जब वो टूटा छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उस ब्रेकअप के कारण क्या क्या फ्रैगमेंट्स बने और कहाँ कहाँ पे बने। ठीक है, तो हमने इससे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में डिस्कस किया था कि ये हमारी अर्थ है और ये उसमें बीच में लैंड था, उसको हम पैनजिया बोलते थे। वो सारे सारे कॉन्टिनेंट्स यूनाइटेड थे, उस पूरे को वो सुपर कॉन्टिनेंट को हम पैंजिया बोलते थे। और उसके अराउंड ये ब्लू कलर से मैंने डॉटेड यहाँ पे वाटर बनाया है, ओशियन बनाया है, जिसको हम पैंथलस बोलते थे। ठीक है, अब जब ये लैंड पैंजिया टूटा तो क्या क्या हुआ और हम किस किस चीज़ में डिवाइड हुआ। तो पहला पॉइंट, पैंजिया वॉज सराउंडेड बाय पैंथलस। ठीक है, ये पैंजिया जो है, ये लैंड है, ये सराउंड हो रखा है यहाँ पे पैंथलस ओशियन से। और जो टैथिस सी था वो एग्जिस्ट करता था बिटवीन अफ्रीका एंड यूरेशिया। ये ऊपर वाला हिस्सा यूरेशिया है और ये नीचे वाला हिस्सा अफ्रीका है, इसके बीच में यहाँ पे ये टैथिस सी था। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ब्रेकअप बिगैन इन ट्रायसिक पीरियड विथ फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट। टूटना शुरू हुआ ट्रायसिक पीरियड में, किसके किसके बनने के साथ, और स्टार्टिंग में रिफ्ट्स बने पहले। एट द एंड ऑफ ट्रायसिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड के ख़त्म होने पे ये तीन चीज़ें हुई। पहला, नॉर्थ एटलांटिक ओशन वॉज फॉर्म्ड एज नॉर्थ अमेरिका वॉज सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, सबसे पहले नॉर्थ एटलांटिक ओशन बना जब नॉर्थ अमेरिका सेपरेट हुआ, अलग हुआ अफ्रीका से। ड्यू टू दिस टैथिस सी कॉन्ट्रैक्टेड, और इससे टैथिस सी छोटा हुआ। सेकेंड, लॉरेशिया वॉज सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया गोंडवाना लैंड से अलग हुआ। लॉरेशिया ये ऊपर का हिस्सा और गोंडवाना लैंड ये नीचे का हिस्सा, ये दोनों अलग अलग हुए। अ वाई शेप रिफ्ट वॉज फॉर्म्ड इन सदर्न पैंजिया विच सेपरेटेड अंटार्क्टिका ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम अफ्रीका साउथ अमेरिका एंड सेंट इंडिया ऑन इट्स नॉर्थवर्ड जर्नी। इसका मतलब है एक वाई शेप की रिफ्ट बनी सदर्न पैंजिया में, जहाँ पर जिससे अंटार्क्टिका ऑस्ट्रेलिया अलग हुए अफ्रीका साउथ अमेरिका से, और उन्होंने इंडिया को नॉर्थ की साइड में भेज दिया। तीसरे पॉइंट में क्या हुआ, जुरासिक पीरियड के अंत में साउथ अमेरिका ब्रोक फ्रॉम अफ्रीका एंड फॉर्म्ड साउथ अटलांटिक ओशन। साउथ अमेरिका जो है अफ्रीका से टूट गया और उसने साउथ अटलांटिक ओशन बनाया, और नॉर्थ अटलांटिक एंड इंडियन ओशन वर एनलार्ज। और जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन थे वो बड़े हुए, बट टैथिस कंटिन्यू टू क्लोज, और टैथिस छोटा होते गया और इंडिया अपनी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव कर ही रहा था, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। फोर्थ पॉइंट, बाय एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड मेडागास्कर वॉज सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका। हाँ, क्रिटेशियस पीरियड के एंड में मेडागास्कर अफ्रीका से अलग हो गया एंड साउथ अटलांटिक वाइडन, और साउथ अटलांटिक ओशन जो है चौड़ा हुआ और टैथिस क्लोज एंड फॉर्म्ड एन इनलैंड ओशन, सॉरी एन इनलैंड सी कॉल्ड मेडिटेरेनियन सी। टैथिस सी और छोटा हुआ और वो लैंड के बीच में आ गया और उसने एक सी बनाया जिसका नाम अब है मेडिटेरेनियन सी, आप सब जानते हैं। और पांचवा पॉइंट, रिसेंटली 40 मिलियन ईयर अगो, 40 मिलियन ईयर अगो व्हाट हैपेंड, इंडिया जो है वो एशिया के साथ कोलाइड किया, इंडिया और एशिया के कोलाइड हुए, और वहाँ पे उनके कोलिजन से जो जमीन थी, दो जमीन आपस में टकराई और बीच में उठ गई जमीन, वहाँ उससे क्या बना, हिमालयन माउंटेन्स। एंड ग्रीनलैंड हैज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, और ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट हो गया। अब नोट्स दे देता हूँ।